गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दिस इज सोनू। तो सबसे पहले आप सभी को आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में यहाँ पे काफ़ी सुंदर झांकी निकाली जा रही है, तो मैं आपको उसी तरफ ले जा रहा हूँ। चलिए सीधे चलते हैं झांकी की तरफ। दोस्तों, अभी मैं हूँ वले सीर में। एक्चुअली झांकी आगे चली गई है थोड़ा, तो मुझे अब उनको कवर करना है थोड़ा आगे जाके। और यहाँ पर देखिए, ज़्यादातर घरों में आप फ्लैग्स देख रहे हैं, इंडियन फ्लैग्स लगे हुए हैं। पोस्टर में क्या है दिखाना, वंदे मातरम। अभी हम पहुंच गए विलेज जैसलमेर।
बच्चे हैं दीनदयाल उपाध्याय विद्या मंदिर गागरी पुल के। कलश यात्रा भी निकल रही है यहाँ पे। मैम कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है आज। हमारी आज़ादी का आज ये 75वां वर्ष है, इसलिए उस खुशी में उस कलश में जो है मनाया जा रहा है। कितने दिन की तैयारी है इनकी? इनके मतलब एक महीने की तैयारी है। अच्छा, एक महीने की तैयारी। बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है? अच्छा। चलिए 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 चलिए। कैसा लग रहा है सर आज? बहुत बढ़िया लग रहा है। ये हर हर घर तिरंगा यात्रा हमने चालू की है, आज दूसरा दिन है। अच्छा, पहले दिन हम बैजनाथ की तरफ गए थे, आज हम इस मार्ग की तरफ आए हुए हैं। अच्छा, काफी टाइम बाद लॉकडाउन के बाद काफी हर्षोल्लास से मनाने का मौका मिला है हमें। काफी खुश होकर हम त्योहार को धूमधाम से मना रहे हैं। जी जी, मैं पंडित दीनदयाल का अध्यापक हूँ और ये छोलिया नृत्य मैंने ही बच्चों को यहाँ तैयार कर किया है। काफी अच्छा नृत्य करवाया। हाँ, और बच्चे प्रैक्टिस कितने दिन की? इसके प्रैक्टिस करीब एक महीने की प्रैक्टिस है हमारी। एक महीने तक हम रूम पे ग्राउंड पे सब जगह रिहर्सल किए है हमने, उसके बाद जाके प्रोग्राम हमारा यहाँ पर बना है और काफी अच्छा हो रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। एक मोमेंटम आ रहा है देश की, देशभक्ति का अंदर से जागरूक नागरिक का। हम सब लोगों से ये कहेंगे वंदे मातरम, जय हिंद। कैसा लग रहा है बच्चों? आपको कैसा लग रहा है इधर? बहुत अच्छा। कलश यात्रा निकल रही है अभी, बच्चे कलश यात्रा निकाल रहे हैं। यहाँ पे 4 से 5 किलोमीटर चल चुके हैं बच्चे, आई थिंक थक भी गए होंगे, थकान हो रही है ना थोड़ा थोड़ा। अभी हम पहुँच चुके हैं सिमार में, ये सिमार का एरिया है पूरा, आगे की तरफ सिमार विलेज है। तो झांकी विलेज सिमार से वापस जा रही है, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा चल चुके हैं तो थक चुके हैं। अब यहाँ से वापसी हो रही है, देखिए इस तरफ से। यहाँ पर देखिए जंगल से कुछ महिलाएं पिरूल लाते हुए, ऊपर की तरफ है विलेज सिमार का जंगल। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई यहाँ पे, और ये है धारा यहाँ का। यहाँ पे कुछ मिले हैं। कैसा लगा यहाँ पे? बहुत बढ़िया लगा है, मज़ा आया। मज़ा आया बहुत मज़ा आया। थकान भी हो रही है क्या? हाँ, थकान भी हो रही है। यहाँ पे बच्चों को बिस्किट्स बांटे जा रहे हैं, तो यहाँ पे अभी बच्चे बैठ रहे हैं, बिस्किट्स वगैरह ले रहे हैं। कैसा लगा? थकान हो गई क्या? बहुत थकान हो रही है। यहाँ पे बच्चे थक चुके हैं, काफी चल चुके हैं बच्चे। कैसा लगा झांकी में? अच्छा लगा। अच्छा लगा। बिस्किट मिले बच्चों को? अति सुंदर। भूख लग गई? कैसा लगा झांकी में? अच्छा लगा। अच्छा लगा। कैसा लगा? बहुत अच्छा। ये सब कलश यात्रा के लिए हैं, और कुछ बच्चे छोले नृत्य के लिए आए हुए हैं। अभी हमें सिमार में और सामने की तरफ के अमेजिंग नज़ारे देखिए। तो अभी वापस जा रहे हैं हम सिमार से, कुछ बच्चे गाड़ी में निकल चुके हैं और कुछ अभी पैदल जा रहे हैं। आगे से आई थिंक उनको गाड़ी मिलेगी। तो यहाँ पे बस आ चुकी है, हम निकल चुके हैं सिमार से गागरी पुल के लिए। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Guys, आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हिमालयन ग्लाइडर, और बेल आइकन को प्रेस करें। तो फिर मिलता है आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।